हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिया। सो आज की हमारी टॉपिक है बच्चों क्लासिक्स की एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो मैं पहले आपको बता दूं कि क्लास ये सॉरी 1.3 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि इसमें क्या करना है, एस्टीमेट करना है। क्या करना बच्चों, इस पूरी एक्सरसाइज में हमें एस्टीमेट करना है, और एस्टीमेट किसको करना है, जो हमारे नंबर्स दिए रहेंगे। ठीक है, जो नंबर्स दिए रहेंगे उनको राउंड अप में लेना है। क्या करना है, राउंड अप में लेना है, और राउंड अप में लेकर के उसको क्या करना है, एस्टीमेट करना है। या तो सम करना होगा, या तो डिफरेंस करना होगा, या तो हमें प्रोडक्ट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग सीखेंगे, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम लोग इसमें ये सीखेंगे कि इसका राउंड अप नियरेस्ट कैसे लेते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं राउंड अप कैसे लेते हैं। तो देखिए, जैसे मेरे प्यारे बच्चों, हम अभी यूनिट पढ़ने के लिए सीखे हुए हैं पिछली वाली एक्सरसाइज में कि यूनिट को हम कैसे पढ़ते हैं। तो देखिए, ये होता है हमारा वंस, टेन्स, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, करोड़, टेन करोड़, ऐसे हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें ये सीखना है कि नियरेस्ट जिसका बोलते कि राउंड ऑफ लेना है, किसके नियरेस्ट। जैसे बोल दिया टेन्स के नियरेस्ट, तो टेन्स के नियरेस्ट क्या करेंगे, तो वंस वाले यूनिट पे, वंस प्लेस पे जो रहेगा, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, वंस प्लेस पे जो भी नंबर रहेगा हमारा, उसको हम दो कंडीशन देखेंगे। दो कंडीशन में क्या क्या, कि वंस प्लेस की जो डिजिट है, जो भी डिजिट रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, वो देखेंगे कि फाइव से या तो ज्यादा हो, फाइव से यदि ज्यादा होगा तो टेंस वाले में प्लस वन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, प्लस वन करेंगे। ठीक है, यदि फाइव से कम होगी तो क्या करेंगे, वन सॉरी उस वाले डिजिट को ही पूरा माइनस कर देंगे, उस डिजिट को हटा देंगे। ठीक है, और इसका राउंड अप ले लेंगे पूरा। जैसे एक एक्सरसाइज आपके सामने, सॉरी एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, जैसे 28। देखिए बच्चों, 28 हमने एक नंबर लिया, 28। अब इस 28 से हम क्या देख रहे हैं, इसको राउंड अप नियरेस्ट 10 में लेना है। राउंड अप इसका क्या, नियरेस्ट 10 में, मेरे टेंस प्लेस को लेना है। तो इसमें हम देखेंगे बच्चों कि ये वंस प्लेस की जो डिजिट है वो हमारी क्या है, तो क्या है, आपको दिख रहा है, फाइव से ज्यादा है। तो फाइव से ज्यादा है, तो हमने अभी आपको बताया कि यदि ये फाइव से ज्यादा होती है तो क्या करते हैं, टेंस प्लेस में वन प्लस कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, तो इसको नियरेस्ट हंड्रेड सॉरी टेंस में लेके चले जाएंगे, यानी कितना, तो टू में क्या कर देंगे, तो थ्री हो जाएगा, और इसको इसके जगह पर पूरा जीरो कर देते हैं। देखिए, तो इसका राउंड अप क्या हो जाएगा, राउंड अप टू कितना हो जाएगा, तो 28 का 28 राउंड अप टू 30 कितना होगा बच्चों, 30। ऐसे ही एक और एग्जांपल आपके सामने, एग्जांपल जैसे हमने हो रहा अभी 28 लिया, अभी कम वाले की बात करते हैं। यहां तो ज्यादा था 5 से, तब बात किए, अब 5 से कम वाले की बात करते हैं। जैसे आपके सामने है 23, ठीक है, देख लीजिए 23, तो टेंस प्लेस को क्या करना था नियरेस्ट, इसमें वंस प्लेस पे हमारा क्या है बच्चों, तो 3 है, 5 से ये क्या है, लेस है। तो 5 से यदि लेस है तो हम क्या कहें कि इस वाली डिजिट को ही गायब कर देते हैं। इस डिजिट को गायब करने के लिए देखिए, इसका राउंड अप क्या हो जाएगा, 23 राउंड ऑफ टू, तो 23 का राउंड अप कितना, इस जीरो इसको गायब करके जीरो कर दें, यानी कि कितना हो जाएगा, 20 कितना देगा बच्चों, 20। ठीक है, ये रहा अभी तक, तो ये था कि टेंस प्लेस तक। अब हम सीखेंगे 100 प्लेस पे कैसे करते हैं। तो देखिए, आइए, तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा है टेंस प्लेस पे क्या होता है, अब देखते हैं कि 100 प्लेस तक के नियरेस्ट यदि पूछ दिया राउंड अप तो क्या करेंगे। तो देखिए, 100 प्लेस तक यदि पूछेगा हमसे तो हमें क्या करना होगा, 100 प्लेस तक पूछेगा तो इसके लिए हमें करना होगा कि टेंस प्लेस वाले को और वंस प्लेस वाले को, दोनों नंबर को हम ये देखेंगे कि ये दोनों 50 से ज्यादा हैं या 50 से कम है। यदि 50 से ज्यादा होगा मेरे प्यारे बच्चों, यदि ये दोनों नंबर हमारे 50 से कम हो गए तो क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को हटा करके जीरो कर देंगे। यदि ये दोनों 50 से ज्यादा हो गया, यानी कि ये 50 से ज्यादा नंबर होगा, तो इसमें प्लस वन करके आगे जीरो जीरो कर देंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट, आइए एक एग्जांपल देखते हैं इसको।
कि 100 प्लेस पे कैसे करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इसका एक एग्जांपल मान लीजिए आपके सामने है, देखिए 298 हमने लिया, इसका राउंड अप क्या लेंगे? तो आप देख रहे हैं कि वंस प्लेस पे और टेंस प्लेस पे क्या है, 98 है। तो वंस प्लेस और टेंस प्लेस पे यानी कि टोटल ले तो इसको क्या पढ़ेंगे, 98। और मेरे प्यारे बच्चों हम अभी बोले हैं कि ये यदि 50 से ज्यादा होगा तो इसमें प्लस वन करेंगे, इन दोनों को जीरो कर देंगे। तो आइए ले लेते हैं 298 राउंड ऑफ टू, इसका कितना होगा बच्चों? तो इसमें 50 से ज्यादा दिख रहा है यानी कि ये हो जाएगा 300। वेरी गुड। देखिए आइए तो इससे एक कम लेकर के बात करते हैं कि इसमें यदि 50 से कम होगा तो सर क्या करेंगे, देख लेते हैं। फिर एक एक्सरसाइज दूसरा, इसमें एग्जांपल ये मान लीजिए फर्स्ट था, इसी में सेकेंड नंबर एग्जाम्पल ले देते हैं। देख लीजिए सेकेंड नंबर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे सामने, देखिए ये है 423। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों इसमें ये वंस और टेंस वाली डिजिट क्या दिख रही है, हमें 23 दिख रही है। 23 क्या है, 50 से ज्यादा है? नहीं, 50 से क्या है, कम है। तो क्या कर देंगे, तो इसका हो जाएगा 423 राउंड ऑफ टू कितना हो जाएगा, तो 23 को क्या करते हैं, हटा देते हैं। फिर करते क्या है, सीधा 0-0 कर देते हैं यहां पे। ठीक है, देखिए यहां तक किसी को कोई डाउट? और मेरे प्यारे बच्चों इसमें हमसे 100 प्लेस तक ही केवल राउंड अप पूछा है, अभी हमने 10 प्लेस तक देखा, अब देखेंगे 100 प्लेस वाले पे भी कैसे बात करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल आपका, यदि 1000 तक हमारा डिजिट पहुंच जाए तो 100 वाले प्लेस को देखेंगे कैसे, देखते हैं। 100 प्लेस पे देखेंगे कि 500 से ये जो तीनों नंबर है 1, 10, 100, ये 500 से ज्यादा है या 500 से कम है। ठीक है, यदि 500 से ज्यादा रहेगा तो हम इसमें प्लस वन करके बाकी सब जीरो कर देंगे, यदि 500 से कम होगा मेरे प्यारे बच्चों तो उसमें हम क्या करेंगे, इन सबको हटा करके यहां 0-0 कर देंगे, नंबर ये सेम रहेगा 1000 प्लेस वाला। ठीक है, आइए एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं एग्जांपल से समझते हैं कैसे। देख लीजिए एग्जांपल है हमारा, एग्जांपल फर्स्ट इसमें हम ले लिए, जैसे मान लीजिए 5250। ठीक है, देखिए 5250 ये चीज, अब इसमें हमें 100 प्लेस को देखना होगा। तो देखिए ये 100 प्लेस वाले वंस टेंस और 100 तीनों को देखें तो ये क्या 500 से क्या है, कम है कि ज्यादा है? अब एक्चुअली ये कम है, 250 है और 500 से क्या है, लेस है, यानी कि इसका राउंड अप क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इन सब नंबर को हटा करके यहां 0-0 कर देते हैं और ये नंबर हमारा सेम रहेगा। जैसे देख लीजिए ये रहेगा राउंड ऑफ टू कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा केवल 5000। कैसे, ये था 500 से कम था। इसी में एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों, ये 500 से यदि ज्यादा हो गया सर तो क्या करेंगे, तो देख लीजिए 6798 ये हमारा एग्जांपल है, इसमें देखिए क्या करेंगे। तो आइए देख लेते हैं ये हो जाएगा मेरे बच्चों, ये देखिए ये हमारा क्या है 798 है, 500 से क्या है, ज्यादा है। तो 500 से ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, 500 से ज्यादा होगा तो यहां एक प्लस करके और इसको 0-0 कर देंगे। जैसे 798 राउंड ऑफ टू कितना होगा बच्चों, ये 6 में 1 प्लस करेंगे तो कितना जाएगा 7, बाकी को 0-0 कर देंगे तो 7000 ये आंसर होगा इसका। बताइए यहां तक मेरे प्यारे बच्चों किसी को कोई डाउट, यहां तक में कैसे हम नियरेस्ट लेंगे, कैसे उसका एडजस्ट करेंगे कि नियरेस्ट 10 है, 0 बोल दिया, 100 बोल दिया। फिर उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हम लोग एस्टीमेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला नंबर हमसे पूछ रखा है एस्टीमेट फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग जनरल रूल। ठीक है, इसको जनरल रूल यूज करके आपको क्या करना है, एस्टीमेट करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला नंबर बोला है 730 प्लस 798, तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम पहले राउंड अप लेंगे इसका। तो क्या करेंगे 730 राउंड ऑफ टू
मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको बताया कि 700 जो है तो ये 30 को देखेंगे पहले, तो ये 30 हमारा क्या है, 50 से कम है। अभी ना मैंने बताया, अभी बताया था कि 50 से यदि कम होता है तो क्या करते हैं, इसको 0-0 कर देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा हमारा कितना 700। ठीक है, आगे इसका देख लेते हैं 798। इसका राउंड अप क्या हो जाएगा बच्चों, राउंड अप टू कितना होगा, तो देखिए 98 क्या है 50 से ज्यादा है, राउंड अप क्या है इसका 98 क्या है 50 से ज्यादा है, यानी कि क्या करेंगे इसमें प्लस वन करके 0-0 कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा कितना 800। कितना होगा बच्चों 800, क्या करेंगे करना क्या है प्लस, तो एस्टिमेटेड सम कितना हो जाएगा, एस्टिमेटेड सम इक्वल कितना होगा बच्चों, तो इसको हम क्या कर दें प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो 700 और 800 हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, ये जीरो ये जीरो और ये 7 और 8 15, कितना गया एस्टिमेटेड सम हमारा कितना गया बच्चों 1500 यानी सॉरी 1500। ठीक है, यहां तक किसी को बैठा हो, एस्टिमेट करना सीखा हमने, एक्सरसाइज करना सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए बी नंबर बोला हमसे 796 माइनस 314। ठीक है, आइए इसको राउंड ऑफ लेते हैं इसका, तो 796 राउंड ऑफ टू कितना हो जाएगा, देखिए 96 क्या है 96 देखेंगे 96 क्या है 50 से ज्यादा है, इसलिए क्या करेंगे इसमें प्लस वन करके और 0-0 कर देंगे। ठीक है, 314 को देखेंगे, देखिए इसका क्या होगा बच्चों, राउंड ऑफ टू इसका क्या होगा, मेरे प्यारे बच्चों अभी हमने बताया कि ये दो प्लेस देखेंगे 110 को, ये 14 क्या है 50 से कम है, और 50 से कम होता है तो क्या करते हैं 0-0 कर देते हैं, बाकी नंबर हमारा वही आ जाता है, यानी कि 300 हो जाएगा। कितना होगा बच्चों 300, करना क्या है डिफरेंस करना है, तो एस्टिमेटेड डिफरेंस इक्वल कितना होगा बच्चों, तो इसको क्या कर देंगे इन दोनों को माइनस करेंगे, और इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आइए माइनस करके देख लेते हैं कितना 800 और 300 को माइनस करना है, इसमें से कितना हो जाएगा 0-0 और 8 में से 3 गया 5, कितना बचा बच्चों 500, यही हो गया हमारा आंसर, एस्टिमेटेड डिफरेंस हमारा कितना गया 500। ठीक है, तो देखो बच्चों सी नंबर क्या बोल रहा है हमसे, सी नंबर बोला है 12904 प्लस 2888। ठीक है, आइए पहले हम इसको राउंड अप ले लेते हैं इसका, तो देखिए इसका राउंड अप क्या होगा बच्चों 12904 राउंड ऑफ टू कितना होगा बच्चों, तो राउंड ऑफ टू इसमें देखिए हमारा क्या है दो नंबर यहां नहीं, यहां वंस प्लेस वंस टेंस और 100 को देखेंगे, किसको देखेंगे 100 तक देखेंगे, तो 100 में देखिए ये 500 से ज्यादा है कि नहीं है, 900 जो हमारा है वो 500 से ज्यादा है कि नहीं है, ज्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें 1 प्लस करके बाकी सब 0-0 कर देंगे, यानी कि 12000 को प्लस 1 कर 12 में 1 कर दें तो 13 और बाकी सब 0-0 जो बचा 0-0 हो गया तो 13000 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें देखते हैं बच्चों 2888 राउंड ऑफ इसका कितना हो जाएगा, राउंड ऑफ टू इसका हो जाएगा, इसका क्या होगा बच्चों, तो देख लेते वंस प्लेस वंस टेंस और 100, इसमें देखिए ये 500 से ज्यादा 800 की नहीं, ज्यादा है, तो ज्यादा है तो क्या करेंगे इसमें 1 प्लस कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 3000। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई, इसको इन दोनों को कैसे राउंड अप लिया। ठीक है, आइए बच्चों तो इसको क्या कहा है एस्टिमेटेड सम का है, सम करना है तो क्या करते हैं एस्टिमेटेड सम, और एस्टिमेटेड सम इसका क्या होगा बच्चों, तो इसको प्लस कर दें दोनों को, प्लस करेंगे तो कितना जाएगा तो 13000 और 3000 प्लस कर दें बच्चों तो 16000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16000, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए साइड में प्लस करके देख लेते हैं, आप कंफ्यूज ना हो, इसको प्लस कर लीजिए बगल में, आप इसको बगल में यहां करके प्लस कर सकते हैं, ये देखिए 0000336 और 1 कितना हो गया 16000, बात समझ में आई। ओके, आइए तो आइए बच्चों बात करते हैं डी नंबर, डी नंबर बोला हमसे 28292
माइनस 21,496, ठीक है। देखिए इसका राउंड अप ले लेते हैं कितना होगा, इसका राउंड अप 28,292 राउंड अप राउंड ऑफ टू कितना होगा, तो देखिए 28,292 का राउंड ऑफ कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहां देखिए ये 292 क्या है 500 से कम है, 500 से कम होता है तो हम क्या बोले थे, तो 500 से यदि कम हो गया तो यहां क्या कर देंगे, इसमें ये पूरे वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे, यानी कि जीरो कर देंगे वहां पे, ठीक है। तो देख लीजिए ये हो जाएगा इसका 28, फिर बाकी सब 00, 28,000, ठीक है। यहां 21,496 इसका राउंड अप क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राउंड अप हो जाएगा, राउंड अप हो जाएगा कितना 496 है, ये क्या है 500 से कम है, और 500 से कम होता है तो क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 500 से कम होता है तो हम इस पूरी वैल्यू को हटा करके जीरो कर देते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए कितना, तो 21,000 बोला क्या है, एस्टीमेट क्या करना है इसका, डिफरेंस करना है, तो क्या करेंगे बच्चों, एस्टिमेटेड सॉरी डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस कर दें, माइनस करिए, डिफरेंस करेंगे क्या आएगा, देख लीजिए यहां साइड में करके, तो 28 में से 21 को माइनस करने हैं, कितना हो जाएगा 0 में से 0, 0 में से 0 और इन दोनों में से 0, 8 में से 1 गया कितना बच्चों 7 और 2 में से 2 गया तो कितना 0, यानी कि बचा कितना 7000, कितना है बच्चों 7000, ये रहा हमारा आंसर, वेरी गुड। मतलब ये यहां तक में किसी को कोई डाउट, पहले नंबर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, वेरी गुड। आइए तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, क्वेश्चन गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, कितना, तो ये बोला है राउंडिंग ऑफ किसके, तो 100 के नियरेस्ट में लेना है, ठीक है। अगला क्या है, एंड ऑल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, तो 100 और टेंस आप प्लेस देख रहे होंगे, ये होता है वंस, फिर उसके बाद टेंस, उसके बाद 100, तो देखिए वंस टेंस और 100 प्लेस पे बोल रहा है, तो पहला नंबर 100 प्लेस में नियरेस्ट लेना है और इसको टेंस प्लेस के नियरेस्ट, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ए नंबर बोला है 439 प्लस 334 प्लस 4370, ठीक है। आइए इसको एस्टिमेट करते हैं किसके अकॉर्डिंग, तो नियरेस्ट 100 के और नियरेस्ट टेंस के, ठीक है। बात करते हैं, ये देख लेते हैं टेंस यहां हो गया और इसमें देखेंगे ये भी टेंस को नियरेस्ट करेंगे और ये देखिए तो इसमें 1000 को करेंगे, सॉरी 100 को करेंगे 1000 प्लेस तक है तो, ठीक है। आइए तो ये हो जाएगा 439 राउंड ऑफ टू कितना बच्चों, तो ये देखिए क्या होता है, हम बोले थे अभी कि 50 से ये जो है टेंस प्लेस 50 से यदि ज्यादा हो गया तो हम इसको सीधे 100 में लेके चले जाएंगे, यदि 50 से कम होगा तो हम इस वाले नंबर को गायब कर देंगे, यानी कि इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, तो इसका एस्टिमेट कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा, ये कितना है 39 है, 39 क्या है 50 से लेस देन है, तो लेस है तो क्या कर देंगे 400 कर देंगे इसको, कितना करेंगे बच्चों 400, क्यों किया, ठीक, वेरी गुड। देख लीजिए क्योंकि ये 39 है, 50 से कम है इसलिए हम करेंगे, ठीक है। अगला क्या है 334 इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ टू कितना हो जाएगा 334 का, तो देखिए 34 क्या है, 34 50 से ज्यादा है कि कम है, तो कम है, कम है तो क्या कर देंगे 300 ले लेंगे, कितना लेंगे बच्चों 300, फिर 4317 को क्या लेंगे, देख लीजिए 4317 राउंड ऑफ टू कितना लगा, तो इस 300, अब यहां देखिए 100 प्लेस को करना है, नियरेस्ट 100 की जाना है क्योंकि ये 1000 प्लेस तक है, तो इसलिए 100 को करेंगे, यानी कि ये 300, ये क्या करेंगे, अब देखिए 100 प्लेस वाले के लिए मैंने बताया क्या रखा था, ये बताया था बच्चों कि ये जो 500 से ऊपर होगा, यदि 500 से ज्यादा हो गया, जैसे 600 700 800 ऐसे हो गया, तो क्या करेंगे इसको हम 00 फॉर्म में, यानी कि यहां एक प्लस करके, यानी कि 5, ये जैसे 4000 है तो 5000 ले लेंगे, ठीक है। लेकिन यदि यही 5000 से कम रहेगा,
सॉरी 500 से कम रहेगा तो उसके लिए क्या करेंगे, इतना यही नंबर पूरा गायब कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, आइए कर लेते हैं। यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना, 317 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो 4000 हो जाएगा। अब बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट, वेरी गुड। चलिए देखिए इसको क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, क्योंकि यहां बोला है कि आप एस्टिमेट करिए, तो एस्टिमेटेड क्या करना था बच्चों, प्लस करना था, एस्टिमेटेड सम क्या लिख सकते हैं, एस्टिमेटेड सम। तो इन सबको हम क्या करते हैं, प्लस कर दें। तो देखिए सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपका 000 हो जाएंगे, देखिए फिर इधर एक दो दो ये भी जीरो हो जाएंगे, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे ये सब आ रहे हैं तो 437 और एक जीरो है तो 7 हो जाएगा, फिर 4 है तो 4। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों एस्टिमेटेड सम हमारा कितना आ गया, ये 4700, यही हो गया हमारा क्या आंसर। यहां तक किसी को कोई डाउट, बताइए राउंड अप लेने में किसी को कोई डाउट कोई समस्या है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वेरी गुड। बी नंबर को, बी नंबर बोला है 1,800,737 और ये है आपका माइनस करना है कितना, तो आपका हो जाएगा 47,599। ठीक है, एस्टिमेट कर लेते हैं, बताइए इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा और इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी हम आपको बताए हैं क्या बता रखे हैं, अभी हम बताए हैं कि जो इसको करना है नियरेस्ट 100 के फॉर्म में, यानी जो 1000 में होगा उसको हम नियरेस्ट किस में ले जाएंगे, 100 में ले जाएंगे, और जो तो इसमें तो दोनों क्या दिख रहे हैं, दोनों हमारे देखिए तो 1000 प्लेस से ज्यादा ही है, यानी कि 100 में ही लेके जाएंगे, इससे ज्यादा हमसे बोला नहीं है, इसलिए हम एस्टिमेट इसको किस में करेंगे, 100 में करेंगे। ठीक है, आइए कर लेते हैं 1,800,737 राउंड ऑफ टू कितना हो जाएगा, तो 1,800,000 ये 737, देखिए मैंने बोला था कि 500 से यदि ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे, उसको सीधा एवब ले लेंगे, यानी कि यहां 800 की जगह हम क्या कर देंगे सीधे, यदि इसमें प्लस करेंगे सीधे इसको 1000 में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे 9000 हो जाएगा, फिर बाकी 00। बात समझ में आई, यहां किसी को कोई डाउट, ठीक है बच्चों देखिए यहां आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगले वाले को इस वाले को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 47,599 राउंड ऑफ इसका क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ टू इसका हो जाएगा बच्चों, अब देखिए ये भी 500 से क्या है, एबव है, 500 से ज्यादा है तो 500 से ज्यादा है तो उसके लिए क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 1, यानी कि ये हो जाएगा 48,000। ठीक है, एस्टिमेटेड ये क्या बचा, ये क्या दिया हुआ बच्चों, माइनस दिया हुआ है, तो माइनस क्या करते हैं, एस्टिमेटेड डिफरेंस, एस्टिमेटेड डिफरेंस, डिफरेंस इसका एस्टिमेटेड डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हम माइनस कर देंगे, तो इतने में से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, आइए हम माइनस कर लेते हैं 109,000, उसके बाद कितना है 48, कितना बच्चों 48,000 माइनस करेंगे, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 9 में से 1, और ये देखो बच्चों 1 और 0 यहां कुछ नहीं है, तो इससे 0 में से 4 जाएगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे इसे कैरी कर लेंगे, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचा, वेरी गुड 6 बचेगा। ओके, तो एस्टिमेटेड डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 61,000। ओके मेरे प्यारे बच्चों देखिए सी नंबर बोल रहा है हमसे 8,325 माइनस 491, क्या करें पहले, पहले इसको राउंड अप ले लें, लिख लेते हैं, आइए ये हो जाएगा 8,325 राउंड ऑफ टू कितना हो जाएगा, तो इसको देखिए बच्चों ये 500 से क्या है, कम है, 325 है, 500 से कम है, इसलिए इसको क्या कर दें, इसको हटा दें तो आ जाएगा कितना 8,000। ओके अगला देखते हैं 4,491 इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड राउंड ऑफ टू कितना, तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा 100 में चला जाएगा 91, अब देखिए ये 100 प्लेस है, यानी कि इसको हम क्या करते हैं 10 प्लेस वाले को
जीरो जीरो कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500। किसके नियरेस्ट आएगा? 500 के। फिर बोला क्या बच्चों, माइनस करना, यानी कि एस्टिमेटेड डिफरेंस क्या हो जाएंगे, एस्टिमेटेड डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों, तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो देखिए यहां आप इसको अलग से कर सकते हैं, अलग से आप देख लीजिए, ये है 500 माइनस करने हैं तो जीरो हो गया, जीरो में से जीरो जीरो हो गया, यहां 10 में से 5 गया तो 5 हो गया, 7 यहां बचा, यानी कितना हो गया 7500। कितना है बच्चों, तो 7500 ये हो गया हमारा एस्टिमेटेड डिफरेंस। बताइए यहां तक किसी को बेटा, वेरी गुड। तो देखिए डी नंबर पार्ट हमसे बोल रहा है 489,348 माइनस 48,365, इसको माइनस करने, ठीक है, आइए देख लेते इसका राउंड अप क्या होता है। 489,348 राउंड ऑफ टू कितना हो गया बच्चों, अब देखिए यहां क्या है, ये कितना है 348 है, क्या करेंगे 500 से ये नीचे है, नहीं 500 से छोटा है, लेस देन, तो इसको क्या करते हैं, इस पूरे को हटा देंगे, यानी कि यहां जीरो जीरो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों 489,000। ओके यहां किसी को डाउट, किसी को डाउट, वेरी गुड। आइए अगला है 48,365, इसका राउंडिंग आप लेंगे तो सॉरी राउंड ऑफ टू कितना हो जाएगा बच्चों, तो राउंड ऑफ टू इसका कितना हो जाएगा, देखिए 365 दिया हुआ है, 365 क्या है 500 से लेस है, यानी कि इसके लिए क्या करते हैं, जब ये लेस है तो क्या करेंगे, इसको हम पूरा लिख लेंगे, कितना हो जाएगा तो 48,000, कितना होगा बच्चों 48,000। बोले क्या एस्टिमेटेड डिफरेंस, तो डिफरेंस कर दें, एस्टिमेटेड डिफरेंस, डिफरेंस क्या बच्चों, एस्टिमेटेड डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस करने का मतलब कि इसको ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दें। देखिए जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस पूरे में से इसको माइनस कर दें, देखिए साइड में हम आपको माइनस करके दिखा रहे हैं, कितना 89,000, इसमें क्या 48, कितना बच्चों 48,000 माइनस करिए, कितना आया, इधर जीरो में से जीरो सब कैंसिल हो गया, कितना जीरो आया, देखिए इस जीरो में से इस जीरो में से जीरो, 9 में से 8 गया कितना 1, 8 में से 4 गया कितना बच्चों 4 यहां ऑलरेडी पड़ा हुआ है, देखिए कितना है 4,41,000, कितना है बच्चों 4,41,000, आइए लिख लेते हैं 4,41,000 एस्टिमेटेड डिफरेंस। बताओ बच्चों यहां तक किसी को कोई डाउट, आइए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर ए इसमें बोला है, ए नंबर क्या, देखिए बच्चों ए नंबर बोला है 578 × 161, ठीक है, देखिए इसका क्या करेंगे राउंड ऑफ इसका निकालेंगे और इसका राउंड ऑफ निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया है, ठीक है, आइए देखते हैं इसका हो जाएगा 578 राउंड ऑफ टू कितना होगा बच्चों, तो 578 है, देखिए यहां 78 है, 78 क्या हो गया 50 से ज्यादा हो गया, यानी कि इसको हम क्या लिख देंगे तब 600 कर देंगे, यानी यहां 1 प्लस कर देंगे तो 600 हो गया, उसके बाद 161 इसका राउंड ऑफ क्या होगा, राउंड ऑफ टू इसका कितना हो जाएगा, तो ये देखिए 61 क्या है 50 से ज्यादा है, यानी ज्यादा है तो इसको क्या करेंगे इसमें प्लस कर दें 1, ये हो जाएगा 78, देखिए 578 क्या किया है इसका राउंड ऑफ टू कितना 600 और इसका 161 का राउंड ऑफ टू कितना 200, क्या करना है बच्चों मल्टीप्लाई करना है, तो इसका एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट सॉरी प्रोडक्ट, तो मेरे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी नंबर बोला है 5,281 × 3,491, क्या बोला है
आईएएस को हम पहले क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, सॉरी वो राउंड अप ले लें, कितना हो जाएगा, तो 5,281 राउंड अप टू कितना हो जाएगा, 281 है, देखिए 500 से क्या है लेस है, यानी कि इसको हटा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 5,000। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट, वेरी गुड। चलिए 3,491 इसका राउंड अप ले लें, राउंड अप टू कितना होगा बच्चों, देखिए 491 है, 500 से क्या है लेस है, इसलिए हम क्या करते हैं इसको हटा देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3,000। वेरी गुड, आइए देखते हैं फिर, तो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5,000 मल्टीप्लाई कितना 3,000 मल्टीप्लाई करके रखेंगे कितना 5 3 जा नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई, बाकी जितना जीरो होंगे रख देंगे, 5 3 जा 15 बाकी जीरो कितने हो रहे हैं 60, देखिए 60 हो गया, ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा है 1,291 मल्टीप्लाई 592। ठीक है, देखिए पहले इसको क्या करते हैं, दोनों को राउंड अप ले, तो 1,291 राउंड अप टू कितना हो जाएगा, तो देखिए 291 है बच्चों, कितना है 291, इसको क्या करते हैं 500 से लेस ले रहे, इसलिए लेस होगा तो क्या कर देंगे इसको राउंड अप ले लेंगे 1,000, इसको माइनस कर देते हैं, क्या करते हैं माइनस करते हैं यदि 500 से कम होता है तो। उसके बाद इसको देख लेते हैं 592 राउंड अप टू इसका कितना हो जाएगा, देखिए इसका मेरे प्यारे बच्चों 592 है, अब देखिए ये 92 क्या है 50 से ज्यादा है, यानी कि इसमें 1 प्लस कर दें तो ये कितना हो जाएगा 600। ठीक है, करना क्या है प्रोडक्ट करना है, तो एस्टिमेटेड मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, तो 1000 में 600 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरी गुड, 1000 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 600। ठीक है, तो नंबर का नंबर में 6 हो जाएगा और जितने जीरो है उतने जीरो बढ़ाते हैं, तो 50 हो गए, देखिए काउंट करें 3 और 2 50, ये हो गया हमारा क्या आंसर। ओके बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट, वेरी गुड। डी नंबर बोला है 9,250 मल्टीप्लाई 29, देखिए इसको राउंड अप ले लें, तो 9,250 राउंड अप टू कितना हो जाएगा, तो देखिए 250 है क्या बच्चों, 250 है, 250 क्या है 500 से लेस है, इसलिए हम क्या करते हैं इसको हटा दें, माइनस कर देते हैं फिर, तो आ जाएगा आपका कितना 9,000। इसमें देख लें 29 को, 29 का राउंड अप ले लें, राउंड अप टू कितना हो जाएगा, तो देखिए 1 प्लेस पे देखिए क्योंकि इसमें 10 स्पेस तक ही है, तो 10 प्लेस तक है, तो 1 प्लेस को देखेंगे, 1 प्लेस का कितना है 9 है, 5 से यदि ज्यादा होता है तो उसमें 10 प्लेस वाले में प्लस 1 करते हैं, क्या करते हैं बच्चों प्लस 1 कर देते हैं, तो 29 है प्लस 1 कर दे, इसमें 2 में प्लस 1 कर दे कितना, तो हो जाएगा 3 और ये 0 हो गया 30 हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है प्रोडक्ट करना है, तो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 9,000 × 30 कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई करिए 9 3 जा 27 बाकी जितने जीरो काउंट करके रख दीजिए 40, तो 40 हमने रख लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमें क्या करना था, इसमें 1 प्लेस 10 प्लेस और 100 प्लेस ये सबको हमें क्या करना था, सिर्फ देखना था कि कहां तक हो रहा है, इसमें राउंड लेना था, राउंड अप लेना था और इसको एस्टिमेट करना था। ठीक है, इस वाले चैप्टर में, इस वाले टॉपिक में हमने ये सीखा राउंड अप, उसका प्रोडक्ट कैसे करेंगे और सम कैसे करेंगे और डिफरेंस कैसे करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले वीडियो में, धन्यवाद।